10 रुपए ना ना हो 15 रुपए तो आपको तंदूर वाला रोटी नहीं देगा। ठीक है, ऐसी बात है। पल्ले नहीं तेला तक कर भी फिरे मेला, ये मियां नवाज शरीफ ने शहीद बेनजीर भुट्टो के बारे में कहा था। आज उन्हीं के भाई हैं प्राइम मिनिस्टर, वो जगह जगह जाके भीख मांग रहे हैं, क्या करेंगे। तो सारी बात है लाम हाला के कोई चीज नहीं होगी आपके पास, तो आप घर के बर्तन जो है शिया वही बेचेंगे ना। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं बकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं तमाम अदारों को अगर हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं उन्हें प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान ज्यादा टाइम आगे नहीं चल पाएगा। यानी कि पाकिस्तान के एसेट्स को बेचने की तैयारी की जा रही है। और दूसरी साइड पे इनसे इंडिया के हवाले से बात करेंगे कि इंडिया में नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, जबकि इनका कहना था कि वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ठीक है मलिक साहब, आप पहले भी हमारे साथ वीडियो कर चुके हैं, आपकी एक अपनी ओपिनियन है आप, और आप राइट रखते हैं जो भी आपकी बात है वो करें, लेकिन आज जो सवाल करूंगा आप जो मर्जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा मैं भी उसे अपनी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की अगर बात करें, खबर ये आ रही है कि तमाम अदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, तमाम एसेट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, क्या इससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? अगर सादा अल्फाज में मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि आप सबको पाकिस्तान आपके चैनल के जरिए ईद की मुबारकबाद देता हूँ, ठीक है, और अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियाँ भी कबूल करे। वही बात दूसरी के जी, आप अभी आपने कहा है कि जी ये जो पाकिस्तान का जो बजट आया है और पाकिस्तान के हर जो अदारा एसेट है उनको प्राइस फरोख्त का बोर्ड लगा दिया गया है, ठीक है। बात ये, जब तक आप 75 साल से लूटा हुआ पैसा वापस नहीं ना लाएंगे, ठीक है, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता। आप 12 अरब डॉलर के लिए दुबई के पाँव पड़ रहे हैं और 1 अरब डॉलर के, 1 अरब डॉलर के, 12 अरब डॉलर की आपकी एक स्टेट में तो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ठीक है, तो पहले वहाँ से ले लें। मुख्तलिफ सियासतदान है जिनकी ये तो भी आपने दुबई लीग्स की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें पनामा लीग्स की, इसके अलावा और बहुत सी हैं, लंदन फ्लैट की बात, सरे महल चले जाएं, ठीक है, फ्रांस में चले जाएं और लंदन फ्लैट की बात कर लें, स्विट्जरलैंड चल जाएं, बैंकों में कितने पैसे, बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है। जब पाकिस्तान के एक वफाकी सेक्रेटरी था बलूचिस्तान का, उसके घर जब रेड पड़ती है एफआईए की, तो 75 करोड़ रुपया बरामद होता है उसके घर से। सिर्फ ये वो घर से बरामद हो रहा है, बाकी जो वो है जो बरामद हुआ है उसके घर से, ये पैसा कहाँ से आया? सेक्रेटरी बड़ी 19वें ग्रेड का होगा वो, ठीक है, कहाँ से पैसा आया? पब्लिक का पैसा है। अच्छा मलिक साहब, एक चीज तो ये बताएं, क्या वजह है? एक साइड पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, अदारे हो, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना एक नाम रखता है, पूरी दुनिया के कंट्रीज जो से हैं पाकिस्तान के नाम से प्रेशराइज हो जाते हैं, दूसरी साइड पे हमें ये चीजें पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तान को बेचना, अगर सादा अल्फाज में जो मीडिया पे चल रहा है, गिरवी रखना पड़ रहा है, चले ऐसा कर लें कि पाकिस्तान को चलाने के लिए हमें अपनी तमाम जगह एसेट जो से हैं वो गिरवी रखने पड़ रहे हैं। बात यह है कि अगर आपके पैसे में 10 रुपए ना ना हो 15 रुपए तो आपको तंदूर वाला रोटी नहीं देगा, ठीक है, ऐसी बात है। पल्ले नहीं तेला तक कर भी फिरे मेला, ये मियां नवाज शरीफ ने शहीद बेनजीर भुट्टो के बारे में कहा था। आज उन्हीं के भाई हैं प्राइम मिनिस्टर, वो जगह जगह जाके भीख मांग रहे हैं, क्या करेंगे। तो सारी बात है लाम हाला के कोई चीज नहीं होगी आपके पास, तो आप घर के बर्तन जो है शिया वही बेचेंगे ना। अच्छा, ये प्राइवेटाइज करने का कोई मतलब फायदा क्या और नुकसान क्या है? यानी कि कुछ लोगों को शायद ऐसा समझ ना आ रहा हो, आपके ख्याल से प्राइवेट, मैं अगर समझूं या ठेके पे दे दिया, गिरवे दे दिया, तो क्या पैसे तो आ रहे हैं? पैसे आपके पास आएंगे, कोई मसला नहीं, पैसे आएंगे, लेकिन वो जो बंदा आपसे वो चीज ले रहा है ना, वो उसका मर्जी है, वो जो उसका रेट है ना, जब 1 रुपया रेट था, अब वो 5 रुपए करेगा, तो ये किसके बोझ पड़ेगा? अवाम पे पड़ेगा। पब्लिक कहाँ से लाए? ऐसी सूरतेहाल में मरी हुई है, ऐसी सूरतेहाल में इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान आना चाहिए? वो तो कभी भी नहीं आएंगे, अभी देख रहे सीमेंट कितना महंगा करती है, ठीक है, जो सारा कारोबार है बेड़ा प्रॉपर्टी का, उसका बिल्कुल वो डेड हो गया, डेड हो गया, लोग क्या करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।